तो पब्लिक कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे पता है कल रात 12 बजे के बाद और अभी तक आपने बहुत सारा ऑर्डर कर लिया है, लेकिन बहुत सारे मेरे भाइयों ऐसे भी हैं जो ग्रीन जोन में रहने के बाद भी कुछ भी परचेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जब मेरे पिन कोड डाल रहा हूँ एरिया का, यहाँ पे ग्रीन जोन है, फिर भी यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट्स मैं ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये क्यों हो रहा है? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं लेके आ गया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूँगा। पहला रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन लेके आता है। और दूसरा जो रिक्वेस्ट है वो है, अगर आपके एरिया में कुछ भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो नॉन एसेंशियल है, तो नीचे आपका एरिया का नाम, पिन कोड और कौन सा प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है ज़रूर बताइएगा। उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा जिन लोगों के एरिया में कुछ भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ का ज्ञान यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अमेजोन पर कुछ सर्च कर रहा हूँ और फ्लिपकार्ट कुछ सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जब अपना पिन कोड डाल रहा हूँ मेरे एरिया का, तो यहाँ पे ग्रीन जोन है, पर फिर भी कुछ भी प्रोडक्ट मैं जो है ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं अमेजोन पे अगर भटिंडे का पिन कोड डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑर्डर कर पा रहा हूँ। अगर वो सेम पिन कोड मैं जब फ्लिपकार्ट में डाल रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट पे ये ऑर्डर अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो फ्लिपकार्ट में राजस्थान का किसी शहर का मैं पिन कोड डाल रहा हूँ, जो पिन कोड मैं अमेजोन पे डाल रहा हूँ वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो मैं क्यों हो रहा है इस वीडियो में पूरा बात करूँगा। तो चलिए आज का आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे देते हैं। पहला जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है वो क्वेश्चन है, सी ओ डी अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी ऑर्डर करने जा रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर तो हो रहा है, लेकिन सी ओ डी का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अब कहीं से भी कुछ ऑर्डर करने जाएंगे तो आपको सी ओ डी का ऑप्शन नहीं मिले। सेकंड जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैंने पहले ही सी ओ डी ऑर्डर कर लिया है लॉकडाउन से पहले, मेरा ऑर्डर जो है डिलीवर होगा या नहीं। तो दोस्तों अगर आपका लॉकडाउन से पहले ही सी ओ डी ऑर्डर है तो आपका ऑर्डर डिलीवर तो हो जाएगा, लेकिन आपको सी ओ डी नहीं मिलेगा। बहुत सारे जो कुरियर पार्टनर्स हैं वो लोग अभी आपके ऐप में आप देखने को मिलेगा कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का एक ऑप्शन आ गया है, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपका ऑर्डर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो तीसरा जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट आया था, मेल भी आया था, कि भाई डिलीवरी चालू हो गया है या फिर नहीं। तो दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट और बाकी सारे जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनका डिलीवरी 3 मई 2020 से शुरू हो गया है। अगर आपका एरिया ग्रीन और ऑरेंज जोन के अंदर आता है तो आपको डिलीवरी कभी भी हो सकता है। फोर्थ जो क्वेश्चन मेरे बहुत सारे भाई लोगों ने पूछा है, ग्रीन जोन है पर फिर भी डिलीवरी नहीं हो रहा है और कुछ भी नया परचेज नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी त्रिपुरा में रहता हूँ, मेरे एरिया में भी ग्रीन जोन है, लेकिन मैं कुछ भी यहाँ पे परचेज नहीं कर पा रहा हूँ और कुछ भी मेरा नया ऑर्डर पुराना ऑर्डर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं जब भी भटिंडे का पिन कोड डाल रहा हूँ अमेजोन पे, भटिंडे के पिन कोड पे अवेलेबल है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे वही पिन कोड अवेलेबल नहीं है, और फ्लिपकार्ट में राजस्थान का पिन कोड जो है वो डिलीवरी दे रहा है, लेकिन वही पिन कोड अब मैं राजस्थान का अगर अमेजोन पे डाल रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट है वहाँ पर सारे पिन कोड्स को बंद कर दिया गया, उन्हीं पिन कोड्स को नए से चालू किया जा रहा है और बहुत सारे पिन कोड्स अभी चालू नहीं हुआ है। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पिन कोड में अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट की कस्टमर सर्विस में एक बार कॉल करना है, करने के बाद बोलना है कि मेरे एरिया में ग्रीन और ऑरेंज जोन है पर फिर भी मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पा रहा। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन मेरे बहुत सारे भाई लोगों ने पूछा था, मेरा भी एक क्वेश्चन था कि मैंने पहले ऑर्डर कर लिया था और मेरा प्रीपेड जो है ऑर्डर है पर मेरा रेड जोन हो गया है एरिया, तो क्या मुझे डिलीवरी मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि रूल्स के हिसाब से अगर आपका एरिया रेड जोन है तो अगर आपका प्रीपेड ऑर्डर भी है तो आपको डिलीवरी नहीं मिलेगा, आपको 17 मई तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लक अच्छा है, अगर आपका पहचान है कुरियर सर्विस में, तो आपको डिलीवरी मिल भी सकती है। तो यही था दोस्तों आपका कुछ कॉमन क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन कुछ और है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूसरे किसी वीडियो में लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन लेके आता है। और कमेंट करके भी बताना कि आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा, वो लोगों को भी पता चल जाएगा कहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो मिलता है अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।